ये जो जिले की प्रशासनिक व्यवस्था है, हाँ, इसमें डीएम एक तो शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए भी जिम्मेदार बनाया गया है, दूसरा वह क्राइम के लिए, क्राइम कंट्रोल के लिए वो क्रिमिनल हेड भी, डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल हेड भी उसको बताया जाता है, बनाया गया है। ठीक। और सीधे जिम्मेदारी डीएम की भी होती है और एसपी एसएसपी की भी होती है। तो ये पुरानी परंपरा है, यद्यपि पहले पत्रावली भेज दी जाती थी, देखिए सारा डिस्क्रिशन तो एसपी एसएसपी का होता है, हाँ। केवल डीएम के संज्ञान में लाकर उनको अवगत कराकर और किसको कहाँ पोस्ट करना है इसकी जानकारी देकर, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर दो गुण अवगुण हैं सब बताते हुए, हाँ। जब ये डिस्कशन होकर और नियुक्तियां होती थी तो बड़ा अच्छा संबंध बनता था, अच्छा रहता था। इधर बाद में कुछ समय बाद, पहले तो पत्रावली भेजकर अप्रूवल लिया जाता था, बाद हाँ। में केवल टेलीफोन से बात करके तय किया जाता था, दोनों लोग आपस में तय कर लेते थे, तब नियुक्ति पत्र जारी हो जाता था, एसपी या एसएसपी जारी करते थे। अब संभवतः जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया जी, तो ये जो फॉर्मेलिटी थी पूछ लेने वाली ये भी समाप्त हो गई। तो ये पुराना आदेश है, कोई नया आदेश नहीं है। इसमें केवल इसकी मंशा ये थी कि डीएम और एसपी एसएसपी ये दो जिले के बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, हाँ। और इनके बीच जब बिल्कुल डिफरेंस नहीं रहता, एका रहती है, बिल्कुल, तब शांति विधि व्यवस्था की स्थिति भी अच्छी रहती है, क्राइम हाँ। कंट्रोल में भी मदद होती है, हाँ। तो ये कुल मिलाकर दोनों के बीच अच्छा सामंजस्य बना रहे और बिल्कुल ट्यूनिंग रहे, हाँ। इसके लिए इस तरह के आदेश जारी किए थे, पहले से शासनादेश पहले से हैं। इधर हो सकता है कि इसको डाइल्यूट किया गया हो, हाँ। और फिर शासन को फिर से पत्र जारी करने की जरूरत महसूस हुई हो जी। तो इसका ये मतलब नहीं कि एसपी या एसएसपी की क्या कहते हैं उसकी क्या कहते हैं क्षमता पर कोई प्रश्न चिन्ह किया गया है, हाँ। कि वो सक्षम नहीं है या वो उसको कमतर आंका गया समझा गया, हाँ। बल्कि डीएम और एसपी एसएसपी में बहुत अच्छे संबंध बनाने के लिए, एक सामंजस्य, अच्छा सामंजस्य बनाने के लिए ये इस तरह के आदेश पहले से हुए थे। फिर से जो आदेश जारी हुआ है संभवतः उसी कड़ी में एक और आगे बताया गया हो ताकि सबके संज्ञान में आ जाए। एक बात और बताना चाहूँगा कि केवल डीएम एसपी एसएसपी ही नहीं, हाँ। बल्कि जिले में डिस्ट्रिक्ट जज जी और सीएमओ का भी एक, उस समय आज से 25-30 साल पहले, हाँ। सीएमओ भी बहुत महत्वपूर्ण होता था। तो ये ऐसा माना जाता था कि प्रशासनिक मामलों में डिस्ट्रिक्ट जज को भी संज्ञान में रखा जाता था, हाँ। और उनके साथ भी बड़ा अच्छा रैपो तैयार किया जाता था, बड़े अच्छे संबंध रहते थे, हाँ। आज भी जब जेलों का निरीक्षण किया जाता है तो डिस्ट्रिक्ट जज, एसपी एसएसपी, हाँ। और डीएम साथ साथ जाते हैं, हाँ। तो प्रशासनिक जितने भी, और ये भी रहता है जिलों में कि महीने में एक बार, हाँ। डीएम एसएसपी एसपी और डिस्ट्रिक्ट जज ये लोग मीटिंग करते हैं क्राइम के संबंध में, क्राइम कंट्रोल का एविडेंस जा रहे हैं, हाँ। कि नहीं आ रहे हैं, कहाँ दिक्कत हो रही है, प्रोसिक्यूशन नहीं, यानी आप ठीक तौर पर ये ठीक कह रहे हैं बाबा देव, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं। श्रीधर पाठक जी, जो कि बात निकलकर सामने रही है कि दोनों की जो एजुकेशन है वो इक्विवेलेंट है, दोनों समान हैं, और जो अधिकारों की बाद में बात निकलकर सामने आई है कि दोनों के अधिकार भी समान हैं और एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, और इसलिए पहले से होता है, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है क्योंकि पिछली बार जब क्राइम कंट्रोल की मीटिंग को लेकर सवाल उठा था तो उसके अंदर एक आईपीएस जो लॉबी थी वो नाराज नजर आई थी, जिसके ऊपर पूरा विवाद घेरा गया था। हम ये समझना चाह रहे हैं कि अगर इस तरह का एक बार फिर से ये आदेश, भले आप कह रहे हैं पुराना हो और दोबारा से इसको रिन्यू करके भेजा जा रहा है, तो क्या इसके बाद फिर से तनातनी नहीं होगी? नहीं नहीं, इसमें कोई तनातनी होने का प्रश्न नहीं है, और पहले भी तनातनी नहीं होनी चाहिए थी, इसको ईगो का बिंदु नहीं बनाया जाना चाहिए। ये शासन है और सरकार की अपनी नीति है, सरकार की नीति यही है कि जो क्राइम की मीटिंग होती है उसकी अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट करेंगे, हाँ।
अगर क्राइम की मीटिंग की अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट करते हैं तो उसमें कहीं इस बात पर रोक नहीं है कि एसपी मीटिंग नहीं करेंगे। एसपी को जो काम करना है वो डीएम की मीटिंग करने के पहले कर सकते हैं, डीएम की मीटिंग करने के बाद भी कर सकते हैं। डीएम वो काम करते हैं जो डीएम के स्तर पर किया जाना चाहिए और वो केवल हर डीएम इतना ही रुचि रखता है, इससे ज्यादा पुलिस प्रशासन में वो कोई रुचि नहीं रखता है। डीएम से अप्रूवल ले लेने का बड़ा फायदा पुलिस विभाग को होने वाला है। राजनैतिक हस्तक्षेप 50% तो तुरंत ही घट जाएगा और जो तमाम तरह के लोग जी आकर के थाने पर बैठ करके वर्दी उतरवा लेने की धमकी देते हैं, थानेदार उनको धमकी दे सकता है कि वो थाने के बाहर जाए और थानेदार को हटवा भी नहीं सकते हैं क्योंकि फिर उसके बाद वो हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट अपना फैसला करेगा। गवर्नमेंट को इसमें एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट जारी करना चाहिए क्योंकि सभी इंस्पेक्टर थानाध्यक्ष बनाए जाने के लायक नहीं होते हैं। बिल्कुल, हर इंस्पेक्टर की अलग अलग योग्यता होती है। कुछ किसी काम के लिए ज्यादा फिट होते हैं, कुछ किसी काम के लिए ज्यादा फिट होते हैं। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल यही सही बात आपने कही है, यही समझने की मैं कोशिश कर रहा हूँ बाबा हरदेव, क्योंकि सीधे तौर पर श्रीधर जी ये कह रहे हैं कि हर किसी की अपनी कैपेबिलिटी अलग होती है और मेरा भी एक मानना यह है कि सीधे तौर पर क्योंकि जो जिले का कप्तान होता है उनको ये पता होता है कि क्राइम कंट्रोल कौन सा थानाध्यक्ष कर सकता है, इसके अलावा जो राजस्व है कौन सा यहाँ पर लेकर आ सकता है, इसके अलावा अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको जिले के कप्तान को पता होता है। तो सिर्फ या तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए एक जानकारी देना अलग बात होती है और एक होता है अधिकार के कि भाई अब आप ये काम नहीं करोगे, अब आपको ये काम करना है। तो क्या अब सिर्फ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है क्योंकि खत के अंदर सीधे लिखा गया है कि अब आपको ये काम नहीं करना है? नहीं, देखिए देखिए दो बातें और मैं बताना चाहूंगा जी कि जैसे डीएम प्रतिमाह मीटिंग लेता है और वो मंथली मीटिंग अपना डिपार्टमेंटल मीटिंग करते हैं जी, उस मीटिंग में भी एसएसपी एसपी आते हैं। पहले प्रचलन रहा, अब शायद धीरे धीरे समाप्त हो गया। पहले ये था कि उस मंथली मीटिंग में जो कलेक्ट्रेट में हुआ करती थी सारे मजिस्ट्रेट सारे विभाग के अधिकारीगण उसमें आते थे, उसमें एसपी एसएसपी भी आते थे, उनका मुद्दा पहले ले लिया जाता था, वो डिस्कशन के बाद अपना एसएसपी या एसपी चले जाते थे और फिर आगे मीटिंग बढ़ती थी, हर विभागों की समीक्षा होती थी जी। तो क्राइम मीटिंग में भी डीएम को हमेशा बैठे रहने की जरूरत नहीं रहती। वास्तव में जो डीएम से संबंधित जहां मदद की जरूरत होती है और जहां उनको दिक्कत महसूस होती है कि मजिस्ट्रेसी से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से कहां कहां दिक्कतें आ रही हैं या किस तरह की और क्या कहते हैं कार्रवाई होनी चाहिए, किस स्तर की सतर्कता होनी चाहिए, इन बिंदुओं पर अपना क्राइम मीटिंग में डिस्कशन हो जाए और उसके बाद डीएम मेरे ख्याल से दिन भर कभी नहीं बैठते थे, अपना वो डिस्कशन करके चले आते थे, एसपी एसएसपी से अपनी मीटिंग करते थे। तो अभी भी कोई ऐसी बात नहीं है, क्षमता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है और ना तो ये कि वो काबिल नहीं है या उनका अधिकार छीन लिया गया है। निर्णय तो एसपी एसएसपी ही करेंगे, कौन से इंस्पेक्टर की कहां पोस्टिंग हो इसका पूरा जो प्रस्ताव बनेगा वो तो वही बनेंगे, केवल डिस्कशन करके उसको अप्रूवल देने की बात है। तो ऐसा नहीं है कि अधिकार छीने जाने का, इस शासनादेश से कोई अधिकार छीने जाने की बात नहीं है। पहले भी ऐसी बात नहीं थी, पहले भी हम लोग जिले में रहे हैं और ऐसी स्थिति कभी नहीं आई कि किसी थाना अध्यक्ष की पोस्टिंग में डीएम और एसपी या एसएसपी के बीच कोई विवाद कभी पैदा रहा हो। हाँ, एक बात रही कि जैसे मान लीजिए कि कोई थाने में एक थानाध्यक्ष विवादास्पद हो गया और एसपी उसे नहीं हटा पा रहे हैं, किसी कारण बस दबाव आ गया, वो मन में है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो डीएम उसमें पहल करके और उसको फिर हटवाने की कोशिश करते हैं और डीएम एसपी जहां साथ साथ हो जाते हैं एसएसपी वहां फिर वास्तव में राजनीतिक दबाव थोड़ा कम हो जाता है। तो ये एक अच्छी पहल थी पहले से और उसी को शायद रिवाइव किया गया है, नई इसमें कोई ऐसी बात नहीं रखी गई है।